हेलो माय लवली व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच टू लव मी हेयर, टू सपोर्ट मी हेयर। मैं हूँ रंजना और आप इस समय देख रहे हैं रंजना ओरा। सो आज की वीडियो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो है कैरेट ऑयल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैरेट ऑयल क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। सो गाइस, कैरेट ऑयल मैं आपको वीडियो में आगे बनाना बताऊंगी कि आप घर पर कैरेट ऑयल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। कैरेट ऑयल आपकी स्किन, आपके हेयर दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। मार्केट में गाइस डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के कैरेट ऑयल अवेलेबल है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। 1000 to 1500 से इनकी स्टार्टिंग होती है और काफ़ी कॉस्टली आते हैं ये। बट मैं आज आपको बताऊंगी, घर पे हार्डली 50 रुपए के अंदर आप कह सकते हैं कि इस ऑयल को आप घर पर अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कैरेट ऑयल आपका यूज होता है सबसे पहले तो अनइवन स्किन, स्किन को वाइटन बनाने के लिए। सबसे ज्यादा जाना माना जो ऑयल है वो है गाइस कैरेट ऑयल। जहां पर भी पिगमेंटेशन है, डार्क ब्राउन है, बहुत ही ज्यादा पैची स्किन है, अनइवन हो गई है स्किन, डिसकलरेशन है, इन सभी चीजों के लिए यूज होता है गाइस कैरेट ऑयल। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने लिए इस ऑयल को बनाइए एंड कॉन्टिन्यूस लगाइए गाइस। इसको लगाने का जो टाइम होगा वो होगा नाइट, मतलब ये एक काइंड ऑफ सीरम है जिसको आप नाइट में अप्लाई कीजिए। नाइट में बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें है गाइस विटामिन सी, विटामिन ए, बायो कैरेटिन। आप सभी को पता है कि गाजर बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी सोर्स होता है इन सब चीज़ों का। इसके साथ साथ गाइस इसमें प्रचुर मात्रा में होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपकी स्किन के फाइन लाइंस और जो यहाँ पे आपकी लाइंस पड़ती है ना, उनके लिए, रिंकल्स के लिए, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज का ये जो ऑयल मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके एंटी एजिंग के लिए है, आपके पिगमेंटेशन के लिए है, डार्क स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, इन सब के लिए है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को वाइटन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नाउ गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस, कैरेट ऑयल बनाने के लिए आपको चाहिए मीडियम साइज़ की एक गाजर। गाजर को अच्छे से धुल लिया है मैंने एंड उसके बाद हम कर रहे हैं पील ऑफ। पील ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, कद्दूकस करना है। कद्दूकस मतलब कि गाजर को आपको अच्छे से घिस लेना है। सो गाइस, मैं यहाँ पर सिर्फ फेस के लिए बना रही हूँ। अगर आप अपने हेयर के लिए भी ऑयल बना रहे हो तो आप गाजर ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी घिसी हुई गाजर का मटेरियल यहाँ पर रेडी है। ये ऑयल मैं यहाँ पर बना रही हूँ डबल बॉइलिंग प्रोसेस से। आपको मैं आगे बताऊंगी नेक्स्ट प्रोसेस भी। सो गाइस, इसको क्या करना है, डबल बॉइलिंग प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे कांच का जार लिया है। आप कांच का बोल भी ले सकते हैं, ठीक है। सो गाजर को इसमें मैं डाल ले रही हूँ। अब चाहिए होगा आपको एक ऑयल। ऑयल गाइस मैंने यहाँ पे लिया है बादाम ऑयल, आप चाहें तो नारियल ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक है। इन्हीं दो ऑयल में इसको बनाना है। अब इसमें ऑयल कितना डालना है, इसमें इतना ऑयल आप डालिएगा कि गाजर का ये जो पार्ट है ना, ये पूरी तरह से उसमें डिप हो जाए, मतलब पूरी गाजर आपकी ऑयल में अच्छे से डिप रहे, ओके। अब क्या करना है, इस जार को आपको डबल बॉइलिंग प्रोसेस करनी है, ओके। तो पैन मैंने चढ़ा दिया है, पानी गुनगुना है गाइस, मतलब कि उबाला नहीं है, हल्का सा गुनगुना है, ओके। अब इस जार को फिंगर से टच करके देख लीजिएगा, इस जार को अब आपको इसमें रखना है, ओके, जब तक पानी ठंडा ना हो जाए। गाइस सेम प्रोसेस को मैंने 3 times किया है। अगर आप कांच को डायरेक्ट उबले हुए पानी में डाल देते हो तो कांच के चिटकने का भी डर है, इसलिए मैंने बहुत इत्मीनान से, तसल्ली से इस प्रोसेस को रिपीट 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 किया है। और ऑयल की जितनी भी गुडनेस है उसको, और गाजर की जितनी भी गुडनेस है उसको मिक्स करने की कोशिश की है। और स्पेशली गाइस मैंने क्या किया है, गाजर की जितनी भी विटामिन ए, सी, बायोटिन, जितनी भी चीज़ें हैं ना, सबको ऑयल में उतारने के लिए मैं ये डबल बॉइलिंग प्रोसेस कर रही हूँ। आप चाहें तो इस जार को बस सिंपल उठा के धूप में भी रख सकते हैं। ये है इसका नेक्स्ट प्रोसेस। अब क्या करना है गाइस, इसको आपको 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, चाहे आप धूप में रख रहे हो, चाहे आप नेचुरल रख रहे हो, ओके। सो मैं इसको बार बार देखती रही गाइस 2 दिन तक कि हाँ ये कितना और कैसे प्रिपेयर हुआ, ऑरेंज हुआ कि नहीं। सो यहाँ पे गाइस 2 दिन के बाद हमारा जो ऑयल है वो पूरी तरह से ऑरेंज हो गया है। अब मैं आपको बताऊँगी कि इस ऑरेंज ऑयल के साथ में आप आप 2 दिन आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 2 दिन पहले मैंने गाइस इसको बनाया था, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि 2 दिन बाद आपको क्या करना है इसके साथ में। तो नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं इस सीरम या इस ऑयल को बनाने का। सो अब आपको क्या करना है, इस मिक्सचर को अच्छे से
आपको छान लेना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ छानना है। अच्छे से प्रेस करते हुए छानिएगा ताकि पूरी गुडनेस ऑयल में आ जाए, ठीक है। आप गाइस, यहाँ पे हमारा ऑरेंज कलर का ब्यूटीफुल कैरेट ऑयल रेडी है गाइस। ये बिल्कुल सीरम जैसा आपकी स्किन पे वर्क करेगा, बहुत ही शाइनिंग, ग्लोई और वाइटन बनाता है आपकी स्किन को। यहाँ पे मैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ, ये टोटल ऑप्शनल प्रोसेस है। ये आपके ऑयल की ना सेल्फ लाइफ को और अच्छा कर देता है, ठीक है। इस तरह के कंटेनर में इसको मैंने स्टोर किया है। आपके पास भी इस तरह का ड्रॉपर वाला कंटेनर हो तो आप इसको इसी में स्टोर कीजिएगा, अच्छा रहेगा लगाते समय। वीडियो में गाइस मैं आगे डेमो एंड एवरीथिंग बताऊंगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। सो गाइस, कैरेट के सारे अच्छे गुण मैंने इसमें इन्फ्यूज्ड कर दिया है। आपको क्या करना है, आपको नाइट में इसको अपने क्लीन फेस पे, तो जैसे मैंने अभी चेहरे पे बेस जैसा कुछ नहीं लगाया है, लिपस्टिक लगाया है, एंड मैं डेमो आपको दे देती हूँ। आपको क्या करना है, इस बॉटल को जिसमें भी आपने इसको स्टोर किया हो उसको हल्का सा शेक कर लीजिए, एंड इसको आपको अपनी स्किन पर लगाने के बाद हल्का सा ना इसको थोड़ी सी अपनी बॉडी की गर्मी भी देनी है, मतलब पेनिट्रेशन के लिए, ओके। सो आपको क्या करना है, तो गाइस इतना अच्छा सा ब्यूटीफुल सा इसका कलर है, लुक ऑरेंज ऑरेंज सा, तो इसको सीरम लाइक इसकी कंसिस्टेंसी भी बनी है गाइस, और आपको इसको अपनी स्किन पर इस तरह से पेनिट्रेट कराना है अच्छे से। गाइस बात कर लेते हैं इसकी सेल्फ लाइफ के बारे में, तो आप 1 वीक का बनाइए, सबसे सही रहता है कि 1 वीक में इसको ख़त्म कर दीजिए एंड देन नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। इसमें मैंने गाइस डाला हुआ है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, जो इसकी सेल्फ लाइफ को थोड़ा सा बढ़ाएगा भी। तो ये था गाइस इसका डेमो और इसके बारे में कि हाँ ये इसकी सेल्फ लाइफ वगैरह क्या होगी। सो कैसी रही गाइस वीडियो, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव तो ज़रूर रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फ्यूचर में इस तरह की वीडियो मिस ना हो इसके लिए नोटिफिकेशन बटन हिट कर दीजिएगा। सो गाइज अब मैं रंजना करती हूँ साइन ऑफ, मिलती हूँ आपसे अनदर एक्साइटिंग बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन लव यू गाइज, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय गाइज।